अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अनवर हुसैन आपका वेलकम करता हूँ MAH के यूट्यूब चैनल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिलीज डेट बताने वाला हूँ, वो भी एकदम ऑफिशियल रिलीज डेट। बहुत मुश्किलों से मैंने ढूंढा है और रिलीज डेट जाके पता चली है और ऑफिशियल रिलीज डेट है। तो रिलीज डेट क्या है वही बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल्ली एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो जितना हो सके लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर गेम के बारे में बात करें तो गेम के सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, गेम में कोई काम बाकी नहीं, गेम फुल्ली रेडी है। अगर कुछ बग आए होंगे तो उस बस बग को फिक्स करना और कुछ नहीं करना, गेम पूरा रेडी है। तो गेम में सारे काम तो हो चुके हैं, गेम में कुछ नहीं करना है। तो बस अगर कोई नया फीचर आता है गेम में, जैसे करियर मोड अगर आता है गेम में, तो तब टाइम लग सकता आने में, हो सकता है 2 महीना भी लग जाए। मगर अगर कोई नया फीचर नहीं देते हैं, वही गेम को बस थोड़ा और अच्छा करके देते हैं और रियल क्रिकेट 24 का नाम दे देते हैं, तो गेम पूरा रेडी है। गेम 10 से 15 दिन के अंदर भी आ सकता है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ इसके ऊपर मैं ज़रा सा बात कर लेते हैं। आपको तो पता होगा अभी बहुत बड़ा लीग चल रहा है, मतलब GPL, GEPL, ग्लोबल ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग चल रहा है। बहुत बड़ा है, प्राइज पूल बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट चल रहा है अभी। तो इसी में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्होंने ही बताया है कि इस गेम की रिलीज डेट क्या हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट की जो एंडिंग है वो 10 से 15 दिनों के अंदर हो जाएगी। इसका फाइनल जो है वो 10 से 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो इसके जो टूर्नामेंट जो खेल रहे हैं लोग, उन्होंने ही बताया है कि इसकी रिलीज डेट क्या हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि गेम जो है, उन्होंने टेस्टिंग किया था, तो गेम जो है वो पूरा रेडी हो चुका है, पूरा खेलने के लिए रेडी है, उसमें कोई काम बाकी नहीं है। तो गेम पूरा रेडी है, बस गेम को रिलीज़ करना है। तो जैसा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि गेम फाइनल वाले दिन भी आ सकता है, मगर ज़्यादा चांसेस जो गेम के आने के हैं वो है जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा उसके 1-2 दिन के बाद। जैसा उन्होंने बताया, गेम के जो ऑफिशियल चांसेस हैं आने के वो यही है कि जब वो टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए उसके 1-2 दिन के बाद ये गेम आपको देखने को मिल जाए। और गेम बहुत बढ़िया है, उन्होंने बताया बहुत सारे फीचर्स भी ऐड हुए हैं और गेम को बहुत अच्छा बना दिया गया है। फीचर्स के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और एक और वीडियो आने वाली, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो फीचर्स के ऊपर होगी। तो उसमें कौन कौन से फीचर आ सकते हैं उसका बारे में बताऊँगा, तो वो वीडियो भी देखिएगा। तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैंने रिलीज डेट बता दिया है, अब 10 से 15 दिन मतलब नवंबर के एंड में आपको ये गेम देखने को मिल जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक भी नहीं जाएगा, नवंबर के एंड में ही आपको ये गेम देखने को मिल जाएगा। अगर कोई नया फीचर आता है जैसे करियर मोड, तब लेट हो सकता है। उस अगर लेट होता है तो उस पर ही वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा। तो अभी तक के लिए तो यही है कि गेम आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा क्योंकि गेम पूरा रेडी है। तो एकदम ऑफिशियल न्यूज़ थी। तो मैंने आज के वीडियो में सब कुछ बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैम लोग और धमाकेदार वीडियो में सो टेक केयर एंड एंजॉय। बाय ब्रो।